हमने कहा जब सरकार पर कोई आर्थिक हार की कमी नहीं होती है, पूरा पैसा खर्च होता ही होता है, तो आउटसोर्सिंग को क्यों, सीधी भर्ती क्यों नहीं। अब वो बेरोजगार नौजवान नौकरी तो पाता है, लेकिन वेतन कितना महंगे कितना मिलता है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अब पैसा और कहां चला जाता है, बिचौलिए को। हमने बिचौलिए को खत्म करने के लिए कहा था, ये सरकार नहीं मानी। बाद में पता आखिर बिचौलियों को खत्म क्यों नहीं कर रही सरकार, पता लगाए वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के एक एक बोलने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ,